उसके चलते अभी 3-4 महीना और प्रोजेक्ट पीछे जा रहा है। उस प्रोजेक्ट में अभी पकल दूल प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने माँ के पेट के अंदर ही बच्चे को टेकअप किया है। हमारा डिपार्टमेंट एक ICDS, तो वहाँ से JP के रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज को वो आके आपके सामने, वो इन्हीं के साथ वो अच्छा लगता है। हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, हमारे जो पकल डूल के रेडियोटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं में आपका फ्यूचर है, तो इनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से होना चाहिए प्लीज। मेरे पास किश्तवाड़ की, डोडा की, भद्रवाह की बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि पढ़े लोगों ने इस तरह के बिजनेस एस्टेब्लिश किए और मौका मिला है तो इसका फायदा उठाए, ताकि किसी जगह पर हम लोग पहुँच सकें। मेरे हिसाब से बिजनेस सेक्टर के लोगों को सभी हमारे पास इस डिपार्टमेंट से जो आपके लेवल से 2-3 लाख तक का बिजनेस होता है समाज के लेवल का, तो वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आप लोग इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जिसकी आप गवर्नमेंट ने जो ये मेला ऑर्गेनाइज किया, इसमें हम लोगों को टाइम टाइम ये 12 अप्रैल से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एक प्लान किया है स्टार्ट, जिसके अंडर हर 3 महीने में एक अप्रेंटिसशिप मेला होगा। अप्रेंटिसशिप स्कीम को उसकी अवेयरनेस की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा सके। तो पहला जो हमारे अप्रेंटिसशिप मेला किया था वो 12 अप्रैल को हमने किया था, और ये दूसरा मेला इसी कड़ी में हमारा जो है ये आज किया जा रहा है। और इसमें हमारे पास इस टाइम तक अराउंड 150 बच्चों ने एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए अपने वॉलेंटियरली रजिस्ट्रेशन करवाई है, और अभी 1:30 बजे तक हमारे पास 14 एस्टेब्लिशमेंट भी रजिस्टर हो चुकी हैं, जिन्होंने अपनी विलिंगनेस दी है कि वो बच्चों को इंगेज करेंगे। सर, पिछली बार भी जब यहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप मेला हुआ था, कितने बच्चों को उसमें जॉब मिली थी और कितने लोग अभी काम कर रहे हैं? देखें, ऐसा है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ये एक किस्म की ट्रेनिंग है, इसमें जॉब नहीं मिलती है, बच्चे को एज अप्रेंटिस इंगेज किया जाता है। सर, कितने टाइम के लिए इंगेज किया जाता है? ये जितना हमारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, 1 साल से लेकर 2 साल के कोर्सेज होते हैं, इसके पूरी जिस तरह IDA के कोर्सेज होते हैं उसी तरह अप्रेंटिस ट्रेनिंग में भी कोर्सेज होते हैं। सिर्फ इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं ट्रेनिंग के। एक जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, वो जो एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं मार्केट में, वहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता है, और थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए वो ITI में आ सकता है। सर, पिछली बार आपने ये अप्रेंटिसशिप मेला लगाया था, जी उसके मुकाबले में इस बार कितना सहयोग मिल रहा है सर? हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछली बार फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो उस टाइम भी हमारी 15 से 16 एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर हुई थी, और 150 से ऊपर उस टाइम भी बच्चों ने अपने आप को वॉलेंटियरली एज अप्रेंट किया था। और इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर होती है ऑनलाइन, और एक बच्चे रजिस्टर होते हैं ऑनलाइन,
और इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद इनके कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन का मतलब है कि ये बच्चा एनरोल हो जाता है ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन ही। तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी अवेयरनेस पब्लिक में हो रही है। जनरली पहले पब्लिक को इसका इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब की डेट में बहुत से वॉलंटियर एस्टेब्लिशमेंट्स हमारे छोटे छोटे हैं, रिपेयर वाले सेक्टर्स हैं, कुछ बुटीक्स वाले हैं, कुछ कंप्यूटर के सेंटर्स हैं, वो वॉलंटियरली आगे आए हैं और उन्होंने अपनी वैकेंसी हमें शो की है कि हमें आप इतने अप्रेंटिस प्रोवाइड कीजिए। और इसी के रिलेटेड वही अवेयरनेस हम बच्चों को दे रहे हैं कि कोई बच्चा अगर पाउडर का है और हमारे पास पाउडर की एस्टेब्लिशमेंट है तो ये बच्चा हम वहीं पर रजिस्टर करेंगे। इसी तरह अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस में बच्चे को ये फ़ायदा है कि वो अपने घर के नज़दीक ट्रेनिंग कर सकता है, और क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में टेक्निकल सीटें कम हैं तो जो बच्चे लेफ्ट ओवर हो जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्कीम में आए। और इसकी वैलिडिटी जो इस सर्टिफिकेट की है ये थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड है, कंट्री में तो है ही है, बाहर भी ये पूरी है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसको इशू करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।